रिपीटेबल में दो तरह का होता है, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपीटेड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड से, लिमिट एक्स टेंड से लिमिट वाई टेंड से भी एफएक्स वाला, लिमिट एक्स टेंड से ये वाला टाइप है, लिमिट एक्स टेंड से लिमिट एक्स टेंड से लिमिट वाई टेंड से भी एफएक्स वाला लिखने में तो पहले एक्सटेंस ए आपको दिख रहा है, फिर वाई टेंस बी दिख रहा है, लेकिन लॉजिकली पहले इसके लिमिट का मेजरमेंट होगा, जब लिमिट वाई टेंस बी तब पहले मेजरमेंट होगा, जब ये लिमिट वाई टेंस बी का मेजरमेंट होगा तो वाई जब बी के तरफ मूव कर जाएगा तब तो वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जो भी बचेगा वह तो फंक्शन ऑफ एक्स बचेगा। जब ये आप इस लिमिट का बात करोगे तो पहले निकालेंगे लिमिट y टेंड्स b, तो जब आप लिमिट y टेंड्स b निकालोगे लिमिट y टेंड्स b f(x, y) या तो कोई फंक्शन ऑफ x और b बनेगा, फंक्शन ऑफ x और b बनेगा, इट मींस यह एक x का फंक्शन बनेगा, जब यह x का फंक्शन बनेगा तो उस फंक्शन का आप लिमिट निकाल दोगे, उस फंक्शन का लिमिट निकाल दोगे लिमिट x टेंड्स a पे, तो जो रिजल्ट बनेगा वही रिजल्ट तुम्हारे रिपीटेबल वही वैल्यू तुम्हारे रिपीटेबल में लिमिट x टेंड्स a लिमिट y टेंड्स b f(x, y) का वैल्यू बनेगा। इट मींस यह कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, कह ये रहे हैं लिमिट एफएक्स वाई बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स वाई defined on the neighborhood of AB, it may be possible function not defined on AB, then if limit y tends to be f(x, y) exist it is function of x alone limit phi of x, then that is limit y tends to be f(x, y) equal phi of x, then if limit x tends to a phi of x exists then we say that limit x tends to a phi of x equal limit x tends a and phi of x के बदले में यहां से वैल्यू
used to be FXY in this case. It means, कह क्या रहा है? सबसे पहले जब भी आपको repeated limit x tends to a, limit y tends to b, FXY निकालना हो, limit x tends to a, limit y tends to b, FXY, यदि आपको निकालना हो, सबसे पहले आप limit y tends to b, FXY निकालोगे, limit y tends to b, FXY निकालोगे, जब ये limit y tends to b, FXY आप निकालोगे, y जब b के तरफ move कर जाएगा, तो उसमें y वाला तो टर्म बचेगा ही नहीं, y तो कुछ ना कुछ constant value cover कर लेगा, y कुछ ना कुछ constant value cover कर लेगा, then जो भी वह बचेगा, वह constant और x के टर्म में एक function बचेगा, तब यदि उस function का x के respect में limit निकाल दोगे, x tends to a पे, वही कहलाएगा, repeated limit, limit x tends a, limit y tends b, FXY limit के existence का मतलब limit का value जब भी निकलता है वो unique निकलता है limit का value जब भी निकलता है वो unique निकलता है limit y tends to be FXY exist का जो मतलब हुआ वो यही है जो इसका जो value होना चाहिए वो unique value होना चाहिए मतलब इसका बहुत सारा मान more than one values नहीं होना चाहिए उसका जो भी वैल्यूज आएगा वह x के टर्म में आ सकता है तो उस x वाले टर्म का जब आप वैल्यू निकाल लोगे तो जो रिजल्ट बनेगा वही रिजल्ट कहलाएगा लिमिट x टेंड्स a लिमिट y टेंड्स b लिमिट x टेंड्स a लिमिट y टेंड्स b तो ये कारण दूसरा टाइप का रिपीटेड लिमिट होगा लिमिट पहले x का लिमिट निकलेगा तब y का लिमिट निकलेगा पहले लिमिट x tends to a पहले x एक्सिस के लॉन्ग आओगे अध्ययन की y एक्सिस के लॉन्ग जाओगे तो जब ये लिमिट y tends to b लिमिट x tends a fx y निकालोगे तो पहले लिमिट x tends a fx y का वैल्यू निकालोगे लिमिट x tends a fx y का वैल्यू पहले निकालोगे इसके अगर लिमिट का एक्जिस्टेंस होगा इसके अगर लिमिट का एक्जिस्टेंस होगा तो जब भी लिमिट का एक्जिस्टेंस होगा एक यूनिक वैल्यू यहां से मिलेगा यहां पे यूनिक वैल्यू का मतलब एक फंक्शन से है तो जब आप लिमिट x से fxy पहले निकालोगे उसका एक्जिस्टेंस होना चाहिए तो उससे एक फंक्शन ऑफ y मिलना चाहिए फंक्शन ऑफ y मिलना चाहिए देन उस फंक्शन ऑफ y का अगर आप y टेंड्स टू बी लिमिट निकाल लोगे उसी को आप कह सकते हो लिमिट y टेंड्स टू बी लिमिट x टेंड्स a fxy मतलब आप क्या कह रहे हैं कि दो टाइप का रिपीटेड लिमिट हुआ दोनों में बहुत छोटा सा का डिफरेंस है दो टाइप का रिपीटेड लिमिट हुआ दोनों में बहुत छोटा सा का डिफरेंस है दो टाइप का क्या सर था पहला टाइप कुछ देर पहले आप डिफाइन किए हो लिमिट x टेंड्स a लिमिट y टेंड्स b fxy दूसरा टाइप में लिमिट y टेंड्स b लिमिट x टेंड्स a fxy वन बाय वन ये कहा जब आप पहला टाइप मतलब इस टाइप के लिमिट को निकालोगे पहले लिमिट y टेंड्स b निकाल दोगे पहले लिमिट y टेंड्स b निकाल दोगे उस फंक्शन का fxy का जब ये आप लिमिट y टेंड्स b fxy निकालोगे यह फंक्शन ऑफ x बनना चाहिए फंक्शन ऑफ x वो भी ओनली फंक्शन ऑफ x जब इसके लिमिट का एक्जिस्टेंस होगा देन उस फंक्शन का जो भी फंक्शन ऑफ x बनेगा उस फंक्शन का लिमिट x टेंड्स a निकाल दोगे वह कहलाएगा रिपीटेड लिमिट लिमिट x टेंड्स a लिमिट y टेंड्स b fxy दूसरे टाइप में पहले ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स a ब्रैकेट के बाहर y टेंड्स b मतलब ऑर्डर में दोनों का चेंजिंग है इसमें सबसे पहले आप लिमिट x टेंड्स a fxy निकालोगे जब ये लिमिट x टेंड्स a fxy आप निकालोगे तो वह फंक्शन ऑफ y बनेगा जब इसका एग्जिस्टेंस होगा देन
फिर आप लिमिट y टेंड्स टू b निकालोगे तब आप कह सकते हो कि इस रिपीटेड लिमिट का एग्जिस्टेंस हुआ। बाय द वे ऐसा हो सकता है तो पहला केस में लिमिट y टेंड्स टू b या कुछ y का एग्जिस्टेंस नहीं हो, लिमिट y टेंड्स टू b या कुछ y का एग्जिस्टेंस नहीं हो तब इस रिपीटेड लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। दूसरा कंडीशन में यह हो सकता है कि लिमिट एक्सटेंड्स a अगर y का बाय द वे अगर एग्जिस्टेंस नहीं हो देन इस लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा।